पानीपत का नाम प्रदूषण में आने से उद्योगपति इसकी वास्तविक वजह जानने के लिए प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं। पानीपत का नाम जब से प्रदूषण में देश में तीसरे स्थान पर आया है, उद्योगपतियों को निर्यात बंद होने की भी चिंता सता रही है कि पानीपत का नाम देश में सबसे अधिक प्रदूषण के नाम से जाना जा रहा है। देश का पानीपत में तीसरा स्थान आया है पानीपत का पोल्यूशन में। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि कभी ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता था पानीपत, लेकिन आज प्रदूषण के मामले में तीसरे नंबर पर आया है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कोई भी ठोस कदम उठाने में नाकामयाब है। हालांकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि कोई ठोस कदम उठाया जाए। अगर प्रशासनिक अधिकारी और सरकार एक ठोस कदम उठाती है तो पॉल्यूशन को पानीपत से बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। आपने क्यों बांधा मुंह पे कपड़ा? ऐसा है जी, अगर हम मुंह पे कपड़ा नहीं बांधे तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल चुका है। अगर मुंह खोलते ही कई बीमारियों से ग्रसित होंगे, और बीमारियों से मरने की बजाय अगर अपना मुंह बांध के चले तो ज़्यादा सेफ होगा। केवल दो इंसिडेंट हुए हैं कुराड़ गांव के, जहां पराल जली है, और हमारे यहां पूरा हरसेक के द्वारा 13 इंसिडेंट कोट किए गए थे, लेकिन 13 में से केवल दो सही पाए गए। हरसेक पूरे राज्य में सैटेलाइट के जरिए इमेजेस भेजते हैं, डेली बेसिस पे 4 बजे रिपोर्ट आती है, और मुझे इस बात का फख्र है कि पानीपत में बहुत हद तक इसमें कटौती हुई है। लास्ट टू लास्ट ईयर 102 एकड़ के करीब पराल जली थी, लास्ट ईयर केवल 18 एकड़ जली थी, और इस बार हमने वास्तव में तो जीरो टॉलरेंस रखा हुआ था, और हम जलने भी नहीं देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो प्रशासन जो स्टफ स्मॉग है और काफ़ी धुंध भी स्टार्ट होगी, प्रशासन की क्या तैयारी है उसको? देखिए, हमने अभी तो हम ये जो धुंध की व्यवस्था हो रही है, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वो 28 तारीख को 27 तारीख को 389 तक जा पहुंचा, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, जिसके लिए प्रशासन ही नहीं, सबको अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इसमें योगदान देना होगा। इमीडिएट मेजर्स में कचरे के जलने पे पूरी तरह से पाबंदी है, और स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर पे पूरा जोर दिया जा रहा है, ताकि हम किसी तरह लोगों के सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसको, उस स्थिति पे हम काबू पा सकें। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।